आज हम आप सभी के पास फिर से एक नए जीके का शॉर्ट ट्रिक लेकर हाजिर हो चुके हैं। आज की इस फ्रेश ट्रिक में हम क्या जानेंगे, आइए हम देखते हैं। आज के इस फ्रेश ट्रिक में जानेंगे आठवीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं के नाम ट्रिक के अनुसार याद रखें, कभी नहीं भूलेंगे। सिर्फ आपको जो है जो भी आठवीं अनुसूची में आपका जो दर्ज भाषाएं हैं उन सारे भाषाओं का नाम यहाँ पर हम तब्दील करेंगे और आपके पास यहाँ पर रखने वाले। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंतिम तक जरूर से जरूर देखें और यहाँ पर हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम याद रख पाएंगे। तो उसके लिए ट्रिक है तीन कम टू सऊत पहन अब बेग अब गे, बस इसी को लाइन को याद रखना है। लाइन क्या है फिर से रिपीट करते हैं, थ्री कम यानी तीन कम टू तीन कम दो सऊत पहन अब गे, बस इसी को याद रखना। अब इसका मीनिंग समझते कि कौन कौन से भाषा जो यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों सबसे पहले जो है यहाँ पर क्या क्या चीज़ का लैंग्वेज आएंगे उसी के विषय में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर क, इस क से सबसे पहले यहाँ पर उतारेंगे, तो यहाँ से क सबसे पहले क से क्या होगा, आइए यहाँ पर देखते हैं। क मतलब यहाँ पर कश्मीरी, कश्मीरी पहला, ठीक है दोस्तों कश्मीरी। फिर यहाँ पर कन्नड़, कन्नड़ कश्मीरी कन्नड़ और एक ठो लैंग्वेज होता है कोकड़ी, ठीक है। ये जो है क का मतलब यहाँ पर हो चुका। अब यहाँ पर म, म मतलब होता है यहाँ पर म मतलब होता है दोस्तों मलयालम, मलयालम उसके बाद मराठी उसके बाद मणिपुरी, मणिपुरी ये सब सारा आठवीं अनुसूची के अंतर्गत रखेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर स, इस स का अर्थ समझिए संस्कृत, स से होगा संस्कृत और सिंधी, ठीक है सिंधी। अच्छा से हम लिख लिख कर आपको बता रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार का कोई आपको भविष्य में दिक्कत ना, एक बार वीडियो देख लेंगे तो ज़िंदगी भर आपको याद रहेंगे। अब है ऊ, मतलब क्या है उड़िया, उड़िया ठीक है दोस्तों, उड़िया हुआ। फिर हुआ उर्दू, नेक्स्ट है उर्दू। फिर नेक्स्ट है त, त मतलब है तमिल, उसके बाद तेलुगु, तेलुगु ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है प, प मतलब यहाँ पर क्या होगा, प मतलब होगा पंजाबी, पंजाबी। उसके बाद नेक्स्ट है ह, ह मतलब हिंदी, यहाँ पर देख पा रहे हैं ह, ह मतलब हिंदी। फिर नेक्स्ट है न, न मतलब होगा नेपाली, नेपाली ने मतलब नेपाली। अब अ, अ मतलब असमी, अ मतलब होगा दोस्तों असमी, असमी ठीक है। अब एक यहाँ पर ब, इस ब मतलब क्या होगा बंगाली, ब मतलब होगा दोस्तों बंगाली। अब गे, गे मतलब यहाँ पर गुजराती समझ लीजिए, ये जो गे है गे का मतलब होगा यहाँ पर गुजराती, क्लियर दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद लग रहे हैं तो ज़रूर एक बार लाइक करें, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा आठवीं अनुसूची में इतना भाषाएं जो है दर्ज है। अब यहाँ पर थ्री कम मतलब तीन गो भाषा, एक दो तीन, ठीक है क मतलब तीन गो भाषा। फिर म, म मतलब ये मलयालम मराठी और मणिपुरी। अब यहाँ दो साउथ, दो साउथ मतलब दो दो लैंग्वेज है, संस्कृत सिंधी उड़िया उर्दू तमिल तेलुगु यहाँ पर जो है इसमें। अब यहाँ पर पहन, पहन यहाँ से यहाँ कोई भी नहीं है इसीलिए इसमें सिर्फ एक एक है, पंजाबी है, फिर हिंदी है, नेपाली असमी है, उसके बंगाली और गुजराती। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा जरूर, आठवीं अनुसूची के अंतर्गत कौन कौन से भाषाएं आते हैं। तो ये जो ट्रिक्स है हमने आपको बता दिया, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ दोस्तों चार बाद में अन्य भाषाएं यहाँ पर जोड़ी गई है, चार अन्य भाषाएं क्या क्या जोड़ी गई उसके विषय में भी हम यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ी सी। चार अन्य भाषाएँ भी यहाँ पर जोड़ी गई, पहला भाषा जो है मैथिली जोड़ी गई है, ठीक है दोस्तों मैथिली ये भाषाएं इंक्लूड की गई है। फिर संथाली यह भी भाषा इंक्लूड की गई। फिर डोगरी,
बाद में यह भाषाएं इंक्लूड की गई, फिर बोड़ो, बोड़ो यह भाषाएं जो है बाद में इंक्लूड की गई है, और यह 92, ठीक है, 92वां संविधान संशोधन बना था कब, 2003 के द्वारा जो है इसको जो है इंक्लूड किया गया है, इसीलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाद में चार यह भाषा को इसमें 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया, और इस प्रकार से टोटल जो है 22 अनुसूची या 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है रखा गया। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण वीडियो, आप अगर आपको और अगर आगे में भविष्य में इससे भी अच्छा अच्छा ट्रिक जीके का ट्रिक के साथ अगर याद करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के जरूर से जरूर जुड़ जाइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।